दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करेंगे ओप्पो A15 और इसके साथ ऐड करेंगे वीवो S1 Pro। दोनों स्मार्टफोन हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया गया है और साथ ही दोनों स्मार्टफोन के प्राइस भी एक समान देखने को मिलती है। अब ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी हद तक मेल खाती है। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर साबित होगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन और बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। ओप्पो A15 में 6.4 इंच की फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। ये स्मार्टफोन 90:5:9 के एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही ये स्मार्टफोन वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल में देखने को मिलता है। और वहीं बात किया जाए वीवो S1 Pro की, तो ये स्मार्टफोन में 6.38 इंच की फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। ये स्मार्टफोन 90:5:9 के एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए वीवो का खुद का डिस्प्ले प्रोटेक्शन के साथ आता है और साथ ही ये स्मार्टफोन वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले पे कंपैरिजन किया जाए तो डिस्प्ले साइज में ज़्यादा कुछ का अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन बात किया जाए डिस्प्ले क्वालिटी की तो दोनों स्मार्टफोन में एक समान डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है। दोस्तों इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए, दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉयड वर्जन 9.05 पे बेस है। और वहीं बात किया जाए प्रोसेसर की, तो ओप्पो A15 में मीडियाटेक हेलियो P70 के साथ आता है। और वहीं बात किया जाए वीवो S1 Pro की, तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 के साथ आता है। दोस्तों अगर दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की कंपैरिजन किया जाए, दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस एक समान देखने को मिलती है और साथ ही दोनों स्मार्टफोन मिड रेंज प्रोसेसर के साथ आता है और साथ ही ये प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और गेमिंग वाइज जो कि बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा सेगमेंट के बारे में। ओप्पो A15 के रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48+8+2+2 का सेटअप और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ आता है। और वहीं बात किया जाए वीवो S1 Pro की, तो वीवो S1 Pro के रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48+8+2+2 का सेटअप और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ आता है। दोस्तों अगर दोनों स्मार्टफोन की कैमरा कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर सेटअप वीवो S1 Pro को जाता है। वीवो S1 Pro से काफ़ी बेहतर सेल्फी भी ली जा सकती है, तो कैमरा कंपैरिजन के मामले में वीवो S1 Pro जीत जाता है। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जो कि दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, जैसे 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, USB टाइप सी। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन 3.5mm का ऑडियो जैक का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो कि दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को सपोर्ट करता है और साथ ही दोनों स्मार्टफोन फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करता है। और वहीं बात किया जाए कार्ड स्लॉट की, ओप्पो A15 ट्रिपल कार्ड स्लॉट का इस्तेमाल किया गया। और वहीं बात किया जाए वीवो S1 Pro की, तो ये स्मार्टफोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सेगमेंट के बारे में। ओप्पो A15 4000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो कि 20W की फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल किया गया है। और वहीं बात किया जाए वीवो S1 Pro की, तो ये स्मार्टफोन 4500mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अगर दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग पे कंपैरिजन किया जाए तो मुझे ज़्यादा बेहतर सेटअप वीवो S1 Pro में लगता है, क्योंकि यहाँ पे 4500mAh की बैटरी के साथ आता है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसे में वीवो S1 Pro में लंबी बैटरी देखने को मिलती है, उसके अलावा 18W की फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल किया गया है। और वहीं दोनों स्मार्टफोन की चार्जिंग पे कंपैरिजन किया जाए तो दोनों स्मार्टफोन के चार्जिंग में ज़्यादा कुछ का अंतर देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट के बारे में, ओप्पो A15 8GB और 128GB से स्टार्ट होती है, जो कि 20,000 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। और वहीं बात किया जाए वीवो S1 Pro की, तो ये स्मार्टफोन 8GB और 128GB से स्टार्ट होती है, जो कि 20,000 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। दोस्तों मैंने दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन कर दिया हूं, तो आप देख सकते हैं कि वीवो S1 Pro काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीवो S1 Pro के लिए जाइए, ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन साबित होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।